काय? तुमने अजिंक्य को सही के बेडरूम में भेज दिया? एक शादीशुदा औरत के बेडरूम में किसी गैर मर्द को भेजना है तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए कि नहीं? अरे कम से कम सही को पूछ तो लेती है कि सही अजिंक्य को अपने बेडरूम में मिलना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के बिना, उसे पूछे बिना इसने अजिंक्य को सही के बेडरूम में भेज दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? लिखा अश्विनी सही कह रही है। तू सोच, अगर तेरे कमरे में बिना पूछे किसी लड़के को भेजे तो तुझे कैसा लगेगा? मस्त मस्त। अश्विनी, मौका मिला नहीं और तू चढ़ गई राशन पानी लेकर पत्रलेखा पर। अरे माना कि इससे गलती हो गई कि इसने सही से बिना पूछे उस अजिंक्य को उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन अगर उस जंगली मुर्गी को ऐतराज था तो वो मना भी तो कर सकती थी ना, लेकिन नहीं किया उसने मना। तभी तो वो लड़का इतनी देर तक उसके कमरे में बैठा रहा। मुझे तो उस लड़के के साथ साथ सही के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे। बहनी, आप, हे देवा, मेरी बच्ची, पता नहीं अब विराट गुस्से में उसे क्या क्या बोल गया होगा। और मेरी बच्ची जी। काकू, काकू प्लीज शांत हो जाइए आप। विराट दादा गए ना सही बहनी को लाने, वो उन्हें जरूर वापस ले आएंगे। हाँ बहनी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। देखना, हमारा वीरू ना सही की बहुत परवाह करता है। जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, यूं यूं फट से मना के ले आएगा उसको। मन बहलाने के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब सही इस घर में वापस आएगी। तुमने क्या सोचा था सही, जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती यहां रहोगी? नहीं, तुम्हारा इस घर में वक्त पूरा हो गया है सही। टाइम ओवर। सही, देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, एक्सीडेंट केस जी। डॉक्टर देखे ना कितना खून बह रहा है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मेरी बेबी को बचा लीजिए, प्लीज इन्हें कुछ हो नहीं सकता, प्लीज डॉक्टर, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके, बचा लीजिए। आप खुद को संभालिए, हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। नर्स इन्हें ओटी में लेके चलो। दादा, वीरू, दादा उठिए। विराट, कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है वो, बोलो ना कहाँ है सही। अरे कुछ बोलिए ना विराट, बोलो कहाँ है सही। विराट, तूने सही से कुछ कह दिया था क्या? वैसे इतनी गुस्से में घर से बाहर क्यों चली गई? विराट ने सही और अजिंक्य का कुछ इस तरह साथ बैठे देखा जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्र लिखा? ये क्या कह रही हो तुम? वो लड़का नोट्स देने के बहाने ये सब, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था कि
ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओ कम ऑन, अगर सही का दोस्त उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने चला भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई, लाइक बिग डील। तुम लोग तो कुछ भी बवाल मचाने लग गए हो, कुछ भी अपने मन से कहानियां बना रहे हो। कुछ कहानियां सच्ची भी होती है शिवानी मौसी। प्लीज, मुझे अच्छे से याद है जब वो लड़का सही के बर्थडे पे आया था तो विराट को अच्छा नहीं लगा था। जरूर विराट को शक पहले से ही हो गया होगा। शक? आप सब सही वहनी पे शक कर रहे? सही वहनी जैसे साफ दिल की लड़की ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर सच्चाई की कोई सूरत होती तो वो हूबहू सही वहनी की तरह होती। प्लीज प्लीज बहनी पर इस तरह के गलत इल्जाम मत लगाइए। मोहित, तुझे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? मिशा सही वहनी, सही वहनी, पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी उस लड़की ने तुझे। भाई मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि वहनी को पापा बस मोहित बस। सही ने पहले झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाकर हमें ब्लैकमेल करके कॉलेज के इवेंट में बुलवा लिया, पर अब उसका सच में एक्सीडेंट हो गया। सब कर्मों का खेल है। वहनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ी तो इंसानियत दिख रही है। सही जीवन और मौत के बीच में झूल रही है और आप इस वक्त उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है जी। उसके पति को गलत फहमी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारा परिवार उसे ही गलत समझे। मैंने आपसे हजार बार कहा है विराट सर कि मेरे और अजिंक्य के बीच में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। आप यही कहना चाहते हैं ना? मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूं। मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो सही, लेकिन तुम प्लीज मुझसे दूर मत होना, मुझे छोड़कर मत जाना सही। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सब मेरी गलती है, अगर मैंने सही पे शक ना किया होता तो आज विराट। इस बात का एहसास तुम्हें अब हो रहा है बच्चा? अब तब क्यों नहीं हुआ जब तुम सही के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे? तब अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो मेरी सही आज जीवन और मौत के बीच में नहीं झूल रही होती। अश्विनी मामी, विराट पहले इतनी तकलीफ में, आप उसके जख्मों को और क्यों कुरेद रही हैं? सारा दोष मेरा है विराट। मैंने अजिंक्या को सही के कमरे में जाने के लिए कहा था। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि वो किसी और इंटेंशन से आया है तो मैं उसे कभी सही के कमरे में जाने नहीं देती। कौन सी इंटेंशन की बात कर रही हो तुम पत्रलेखा? कि हमारी सोच इतनी छोटी है कि एक लड़का और लड़की एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रखे हुए हैं और हम उन पे शक किए जा रहे हैं। शिवानी देखना, सब परेशान है। अश्विनी, अश्विनी की हालत देख, अभी चुप हो जा। क्यों चुप रहे शिवानी हत्या? इस घर में मुझे बाकी सब लोगों से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दादा आपने वहनी पे शक किया। आपके शक की वजह से आज वहनी की यह हालत है। एक एक सांस के लिए लड़ रही है वहनी। भगवान ना करे वहनी को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। वही थी क्या? आज अगर वहनी के आई बाबा होते तो आपसे सवाल जरूर करते, क्योंकि बेटे की ऐसी हालत क्यों है?
लेकिन आपसे नहीं पूछ सकती क्योंकि सही वही नहीं कि आई बाबा तो इस दुनिया में है ही नहीं ना। अनाथ है ना सही वही नहीं, और आपने इसी बात का फायदा उठाया। मोहित साला तुझा तो इस मुश्किल घड़ी में परिवार को विराट को संभालने आया है या हम सब पर इल्जाम लगाने? बहनी भी मेरा परिवार है आई, मेरी छोटी बहन जैसी, और आज वो उनका भाई होने के नाते मैं वहनी का साथ दूंगा, और आज तो जरूर दूंगा क्योंकि आज सही वहनी की हालत उसके खुद की वजह से नहीं है बल्कि किसी की गलत सोच की वजह से। मोहित मुझे जो बोलना है तो बोल, मैं खुद अपनी हरकत से ना बहुत शर्मिंदा हूं। तो ऐसा मत बोला तेरी सही वही नहीं को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक होगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, वो ठीक हो जाएगी ना यार, वो बोलना ठीक हो जाएगी ना वो। अब माफी मांगने से क्या फायदा विराट, तुझे जो करना था वो तो तुमने कर दिया ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।